क्वेश्चन वन व्हाट आर इरेशनल नंबर्स हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल गिव एग्जांपल्स देखिए इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन एग्जैक्टली अपोजिट होता है रेशनल नंबर के तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस हो जाए और पी क्यू क्या हो इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो ऐसे नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट जो डेफिनेशन होगा वो होगा इरेशनल नंबर्स का मतलब एंडसनल नंबर इज अ नंबर विच नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू मतलब इसको देखकर तो यही कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डीप जाए हम तो हमें पता चलेगा कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होती है मतलब जो रेशनल नंबर होता है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं फर्स्ट एक तो होगा टर्मिनेटिंग तो ये टर्मिनेट हो जाएगा मतलब कि यदि क्यू से हम पी में डिवाइड करें तो टर्मिनेट हो जाएगा जैसे कि वन पॉइंट टू थ्री वन पॉइंट टू वन पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट थ्री ऐसे आएंगे मतलब कि टर्मिनेट हो जाएंगे डेस्मल मतलब रिमाइंडर इसमें जीरो आएगा और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कि यदि टर्मिनेट नहीं होता है जैसे यहाँ टर्मिनेट हो गया था तो यदि हम क्यू से पी में डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेट यदि नहीं होता है जैसे वन पॉइंट टू थ्री ऐसे आया और टर्मिनेट यदि नहीं हुआ मतलब कि टू थ्री टू थ्री रिपीट कर रहा है टू थ्री टू थ्री टू थ्री डॉट डॉ डॉट ऐसे आ रहा है ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो ये हमारा डेफिनेशन था रेशनल नंबर का डेसिमल के फॉर्म में कि मतलब रेशनल नंबर को यदि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा इसी डेफिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर का डेफिनेशन मतलब कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग एंड नॉर एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं डेफिनेशन इस तरीके से हमारा विच कैन इधर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब एक ऐसा जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते फॉर्म में या फिर नहीं एक्सप्रेस कर सकते रिपीटिंग डेसिमल के जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं तो भाई कैसे कर सकते हैं तब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो पैटर्न होगा उसको बोलेंगे इरेसरा नंबर तो पहले फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेशन हो गया सेकेंड पार्ट का है कि हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स तो रेशनल नंबर से जो डिफरेंस है वो ऐसे होगा कि तो is, okay? something something, मतलब integer, इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स तो इरेशनल नंबर्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स दैट इज इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू ओके समथिंग अपॉन समथिंग मतलब सम इंटीजर अपॉन सम इंटीजर इस तरीके से एक्सप्रेस इरेशनल नंबर्स को नहीं कर सकते दिस इज अ रियल डिफरेंस गिव एग्जाम्पल्स तो हमें एग्जाम्पल देना हो तो देखिए रूट में अंडर रूट में स्क्वायर रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं जितने प्राइम नंबर रहेंगे मतलब रूट के बाहर ना निकल पाए यही आपको बस ध्यान देना है उस सभी के सभी कहे जाएंगे इरेशनल नंबर्स जैसे रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट टेन जितने भी ये नंबर्स हैं ऐसे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पर थर्टीन रूट थर्टीन या फिर रूट वन थाउजेंड वन दिस इज आल्सो इरेशनल तो कोई भी नंबर जो रूट के बाहर ना निकल पाए या फिर क्यूब रूट के बाहर ना निकल पाए दूसरा एग्जाम्पल होगा क्या क्यूब रूट क्यूब रूट मतलब कि यहाँ थ्री रखिए और यहाँ पर रखिए टू तो इसको हम लिख सकते हैं टू दी पावर वन अपान थ्री तो टू टू पावर वन अपान थ्री रहेगा या थ्री टू दी पावर वन अपन थ्री रहेगा या फाइव टू दी पावर वन अपन थ्री ये सारे क्यूब रूट्स हैं तो क्यूब रूट्स भी क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं इनको हम ये फाइव फाइव टू दी पावर वन अपान थ्री को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ठीक है इनफैक्ट कोई भी नंबर ले लीजिए आप सो मान लीजिए कोई प्राइम नंबर लेते हैं हम नाइनटीन और नाइनटीन के पावर में वन अपान एन ले लेते हैं एन की वैल्यू क्या होगी एन की वैल्यू ले लीजिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डॉट डॉट डा डा डॉट अभी यही नहीं आप जो है टू पॉइंट वन भी ले सकते हैं मैंने वन अपान टू पॉइंट वन वन अपन टू पॉइंट थ्री ऐसे नंबर्स मतलब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए यहाँ पर वन अपान एन में तो वह नंबर भी इरेशनल होगी समझ रहे हैं मतलब कि इरेशनल रेशनल फाइंड करना बहुत आसान है कोई भी नंबर लीजिए उसके पावर में वन अपन टू वन वन थ्री वन वन फोर वन वन सिक्स वन वन सेवन बस यही है कि, कि कटना नहीं चाहिए जैसे कि ऐसे मत कर लीजिएगा कि फोर टू दावर वन अपन टू तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी टू टू दी पावर टू हो जाएगा और फिर ये वन अपन टू होगा टू टू कैंसिल हो जाएगा फिर मिल जाएगा आपको रेशनल नंबर टू तो ऐसे नंबर्स को छोड़ करके और सारे नंबर्स एग्जाम्पल में आप आसानी से दे सकते हैं और वही सारे आपके एग्जाम्पल्स होंगे तो आई थी टू क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल गिव रीजन्स टू सपोर्ट यर आंसर तो इन सभी नंबर्स को क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है कौन सा रेशनल है और यदि आपको पता चल गया कि वह रेशनल है तो बताना है कि रीजन क्या है गिव रीजन्स ओके तो चलिए वन बाई वन पता करते हैं फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपन एट्टी वन देखिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ओके okay? तो थ्री वन जै थ्री एंड एटी वन कोटाएंगे थ्री से तो मिलेगा ट्वेंटी सेवन मीन्स मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन अपान ट्वेंटी सेवन और इसको लिख सकते हैं आप वन अपान स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन क्योंकि वन पर लगाएंगे स्क्वायर रूट तो वन ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा ऐसे अब यहाँ ट्वेंटी सेवन का फर्टाइज करेंगे तो नाइन एटी थ्री होगा और नाइन बाहर निकल सकता है स्क्वायर रूट के तो इसको लिख सकते हैं हम वन अपान थ्री रूट थ्री अब यहाँ देखिए थ्री रूट थ्री क्या है एक इरेशनल नंबर है और ये वन क्या है एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में यदि किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर इरेशनल ही होती है तो दिस इज एन इरेशनल नंबर तो मैं इरेशनल के लिए आई डबल आर यूज करूंगा और इेशनल के लिए आर यूज करूंगा ठीक रहेगा ओके स्क्वायर रूट ऑफ थ्री सिक्सटी वन अब इसको देखना है तो देखिए पहले इसको फैक्टराइज करिए तो जो थ्री सिक्सटी वन होता है वह नाइनटीन का स्क्वायर होता है मतलब नाइनटीन इंटू नाइनटीन करने पर थ्री सिक्सटी वन होता है

नाउ द नेक्स्ट वन स्क्वायर रूट ऑफ वन पॉइंट फोर फोर देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ पहले डेसिमल को हटाइए तो मिलेगा हमें वन फोर्टी फोर अपान हंड्रेड ऐसा कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल सेकेंड प्लस पर है तो डिवाइड कर दीजिए हंड्रेड से डेसिमल हट जाएगा अब यहाँ पर देखिए वन फोर्टी फोर होता है ट्वेल्व का स्क्वायर होता है आप पढ़े होंगे ट्वेल्व ट्वेल्व जो होता है वन फोर्टी फोर तो यहाँ पर हो गया ट्वेल्व का स्क्वायर अपान हंड्रेड ये टेन का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर्स मिल जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं मतलब ट्वेल्व बाहर आ जाएगा और नीचे से डिनोमीटर से टेन बाहर आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो मिलेगा वन पॉइंट टू तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया यदि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो यह रेशनल नंबर होगा तो दिस इज अ रेशनल नंबर नाउ टू अपन थ्री रूट सिक्स देखिए रूट सिक्स यहाँ पर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो टू बाई थ्री क्या है टू बाई थ्री एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर से तो जब भी ऐसा होता है कि रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर हमेशा क्या मिलता है इरेशनल मिलता है तो दिस इज एन नंबर याद रखिएगा इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर में तो इरेशनल नंबर ही मिलेगी हमेशा तो ये रीजन यहां पर होगा मैं यहां पर जो रीजन बता रहा हूं यहां से मिल रहा है आपको ठीक है देखिए फोर पॉइंट वन टू सेवन सिक्स यहां पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैं यहां पे बोल रहा हूं ठीक है टर्मिनेटिंग डेसिमल है देयर फॉर इट इज अ रेशनल नंबर तो मैं जो बोल रहा हूं उसको रीजन समझिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये तो आप लिखेंगे कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल देर फॉर इट इज अ रेशनल नंबर नाउ द नेक्स्ट अब यहां पे आते हैं सेवन वन ट्वेंटी टू अपन सेवन देखिए ट्वेंटी टू अपन सेवन जो है पी बाय क्यू के फॉर्म में है तो एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म पी अपन क्यू एंड पी इज एन इंटीजर एंड क्यू इज आल्सो एन इंटीजर इज अ रेसनल नंबर है कि नहीं तो रीजन आपका जो मैंने बोला वही होगा और ये हो जाएगा रेशनल नंबर ठीक है वन पॉइंट टू थ्री टू थ्री थ्री टू थ्री 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 डॉट डॉ डॉट मतलब इसमें देखिए कुछ पैटर्न बन रहा है डेसिमल के बाद ध्यान से देखिए देखिए टू एक बार आया और थ्री यहाँ पर एक बार आया लेकिन टू यहाँ पर एक बार आया लेकिन थ्री डबल हो गया फिर यहाँ पर टू एक बार आया और फिर थ्री ट्रिपल हो गया इसका मतलब कि यहाँ पर कोई रिपीट नहीं कर रहा है कुछ ब्लॉक ऑफ डिजीज यहाँ रिपीटेशन नहीं चल रही क्योंकि देखिए तीन बार थ्री आया है इसके बाद फिर से टू आएगा और थ्री टाइम्स फोर टाइम्स थ्री आएगा यहां पर मतलब ऐसा बनेगा फिर से टू आएगा एक बार फिर से थ्री फाइव टाइम्स आएगा इसका मतलब कि देर इज नो एनी रिपीटिशन सो दिस इज एन इरेशनल नंबर क्यों क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है देर फोर दिस इज एन इरेशनल नंबर ओके

टू पॉइंट थ्री फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स यहाँ रिपीट हो रही है मतलब इस नंबर को हम लिख सकते हैं टू पॉइंट थ्री फाइव सिक्स बार तो दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो वह नंबर होती है रेशनल नंबर ठीक है तो रीजन भी बताते जा रहा हूँ मैं मैं रीजन को बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख नहीं रहा तो आप मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी को समझिएगा और उसको लिख दीजिएगा एग्जाम में ठीक है यहाँ पर देखते हैं देखिए सिक्स पॉइंट एट थ्री फोर देखिए एट थ्री फोर एट थ्री फोर ऐसे आता रहेगा तो दिस दिस थ्री ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ठीक है दिस इज रिपीटिंग सो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट एट थ्री फोर बार दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल देयर फॉर दिस इज अ रेशनल नंबर है कि नहीं रिपीट करेगा तो रेशनल होगा तो ऐसे करके आप डिसाइड कर लेंगे और रीजन बताते हुए एक्सप्लेन कर देंगे तो टीचर भी खुश आपको नंबर मिल जाएगा फिर आप भी खुश फिर क्या चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री लेट एक्स बी रेशनल नंबर एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर तो ये कह रहा है कि यदि x एक इेशनल नंबर है मान लीजिए और y क्या है एक इरेशनल नंबर है तो क्या x प्लस वाई जरूरी है कि वह एक इरेशनल नंबर हो गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ आंसर तो यदि आप ये मानते हैं कि x एक इरेशनल नंबर होगा तो एक एग्जाम्पल दीजिए यदि आप नहीं मानते कि x एक इरेशनल नंबर होगा तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल दीजिए तो यहां पर हमारा क्या होगा आंसर यस yes, जो आप सोच रहे थे वही होगा यस yes, एक्स प्लस वाई इज इरेशनल नंबर क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होती है फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल दें तो जैसे टू क्या है टू इज अ रेशनल नंबर एंड रूट थ्री क्या है रूट थ्री इज इरेशनल तो इनका सम करेंगे टू प्लस रूट थ्री इज आल्सो एन इेशनल तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर ऐसा भी दे सकते हैं आप कि देखिए माइनस टू क्या है माइनस टू एक रेशनल नंबर है और यहाँ पर लिख दें आप माइनस टू प्लस रूट थ्री ये माइनस टू प्लस रूट थ्री क्या है एक इरेशनल नंबर है इन दोनों को ऐड करेंगे अच्छा यहाँ प्लस टू ले लीजिए और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा माइनस टू और रूट थ्री बचेगा और आप कहेंगे कि रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर ओके लेकिन कभी भी रूट थ्री कैंसिल आउट नहीं होता आप सोचेंगे कि यहां पर मैं रूट ले लू तो रूट ले तो ये रेशनल नंबर नहीं रहेगी इसीलिए हमेशा ये वर्क करेगा तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्स प्लस वाई एक रेशनल और एक इरेशनल दोनों का सम एकदम जरूरी है कि वह इरेशनल नंबर हो ओके यदि आपके दिमाग में कुछ और आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए एक रेशनल नंबर है मतलब कि मान लीजिए ए बराबर क्या टू टू क्या है रेशनल नंबर है है कि बी एक दूसरा एक नंबर है जो इरेशनल नंबर है तो हम मान लेते हैं बी बराबर रूट थ्री ठीक है एक इरेशनल नंबर है कि इज ए बी नेसेसरली यानी रेशनल नंबर क्या ए बी जरूरी है कि वह एक इरेशनल नंबर हो ए बी मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें मतलब टू इंटू रूट थ्री कर दें यही तो ए बी है दिस इज ए बी कह रहा है कि क्या ए बी की जो वैल्यू होगी टू इंटू रूट थ्री क्या यह जरूरी है कि वह एक इरेशनल नंबर हो जस्टिफाई योर आंसर विद एन तो के रूप में देख रहे हैं यहां पर तो यहां पर देखते हैं देखिए ये 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 जो नंबर होगा क्या जरूरी है कि ये नंबर टू इंटू रूट थ्री ठीक है मल्टीप्लाई करने पर जो ये नंबर होगा वो क्या इरेशनल होगा ये जरूरी है तो यस इट इज नेसेसरी यही आपका आंसर होगा लेकिन क्यों होगा क्यों मैं बोल पा रहा हूं इसे क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है इसमें कोई भी रूट की ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो इस रूट को हटा पाए मतलब ए बी को रेशनल बनने के लिए इस रूट को हटना बहुत जरूरी है और इस रूट को हटाने के लिए इस रेशनल नंबर में ताकत नहीं है कहने का मतलब यही सिंपल तो लिखेंगे आंसर में यस ए बी इज एन इरेशनल नंबर एग्जाम्पल दे करके बताना है एक्सप्लेन करना है तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं एक एक्स्ट्रा देखिए हम कोई भी ले, ले लेंगे एक रेस्ट्रल नंबर मान लीजिए टू अपन थ्री ठीक है टू अपन थ्री क्या है एक रेस्ट्रल नंबर है अब हम लेंगे एक इरेशनल नंबर तो ले लेते हैं रूट थ्री रूट थ्री क्या है एक इरेशनल नंबर है यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब टू बाई थ्री में मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री से तो क्या ये रूट हट जाएगा क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हटेगा तभी और तभी यह नंबर रेशनल हो सकता है तो ये रूट हट नहीं पाएगा क्योंकि टू अपन थ्री में कहीं पर रूट नहीं है क्योंकि रूट की क्वांटिटी रूट से ही कैंसिल आउट होती है ओके okay? तो यहां पर यह क्या है इज एन इरेशनल नंबर दिस इज एन एग्जाम्पल आप लाखों एग्जाम्पल दे सकते हो लेकिन आपको एक ही एग्जाम्पल देना है तो आराम से यहां पर दे दो कोई भी सो दिस इज योर आंसर नंबर फाइव इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स ऑलवेज इरेशनल क्या प्रोडक्ट करेंगे हम टू इरेशनल्स का तो क्या वो हमेशा इरेशनल होगा जस्टिफाई योर आंसर मतलब जो भी आंसर देंगे वो रीजन के साथ दीजिएगा ये कह रहा है तो यहां पर हम हमारा जो आंसर होगा नो लिखेंगे हम कि नो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरे इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर लेकिन क्यों आप ऐसे कैसे बोलेंगे जस्टिफाई योर आंसर तो हमें यह बताना पड़ेगा कि समझिएगा रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं यदि रूट टू से मतलब सेम इरेशनल नंबर लेते हैं तो ये हो जाता है रेशनल नंबर तो यहां बोल रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज ऑलवेज इरेशनल कहाँ हुआ ये इरेसनल ये तो रेशनल नंबर है ठीक है आप कह रहे होंगे कि यदि तो सेम नंबर ले लिए सर कुछ अलग अलग लीजिए समझ लीजिए ले कि हम ले लेते हैं रूट टू यहाँ ले लेते हैं थ्री प्लस रूट टू ये क्या है थ्री प्लस रूट टू क्या है इरेशनल नंबर है मल्टीप्लाई करते हैं यदि थ्री माइनस रूट टू से देखिए ये दोनों क्या है एक दूसरे के कंजुगेट है यदि कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमेशा एक रेशनल नंबर होती है जैसे कि ये है आपका ए प्लस बी और ये आपका है ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर मिल जाएगा आपको थ्री थ्री जी नाइन नाइन माइनस टू मीन सेवन सेवन क्या है एक रेशनल नंबर है तो यहाँ पर भी तो एक इरेशनल को मल्टीप्लाई किए दूसरे इरेशनल से मतलब प्रोडक्ट निकाले हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला दो इरेशनल्स का तो हमें यहाँ पर मिल मिल रहा है एक रेशनल नंबर तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही मिले लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेशनल ही मिलेगा इरेशनल भी मिल सकता है जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर देते हैं जैसे देखिए रूट टू में मल्टीप्लाई करेंगे यदि रूट थ्री से तो ये हमेशा एक इरेशनल होगा रूट सिक्स यदि हम रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं रूट फाइव में तो मिलेगा रूट टेन और रूट टेन भी क्या है इरेशनल है बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ऐसे यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ फाइव तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ रूट फिफ्टीन और दिस इज़ आल्सो इरेशनल तो हमें रेशनल भी मिल रहा है यहाँ पर देखिए रेशनल भी मिल रहा है और इरेशनल्स भी मिल रहे हैं तो रेशनल्स भी मिल रहे हैं इरेशनल भी मिल मिल रहे हैं इसीलिए यहां पर कहेंगे कि नो द प्रोडक्ट ऑफ टू इेशनल्स इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर मतलब इट मे बी रेशनल आर इरेशनल इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ओके दैट्स इट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर और भी इसमें है प्रॉब्लम्स तो वन बाई वन हम लोग समझते हैं हमें दो एग्जाम्पल देना है किसका इरेशनल नंबर्स का जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए इरेशनल नंबर इसका मतलब कि हम पहले एक इरेशनल नंबर चूज करेंगे तो हम मान लीजिए यहाँ पर चूज कर लेते हैं ए प्लस रूट बी ठीक है अब हमें क्या करना है कि इसमें से माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस निकालना है जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऐसी क्वांटिटी रखनी है जिससे कि इरेशनल नंबर बन जाए इनका सम करने पर तो इरेशनल नंबर तभी बनेगी जब ये रूट वाली क्वांटिटी कैंसिल ना हो इसका मतलब कि हम इसमें रखेंगे कुछ इस तरीके से कि ए मान लीजिए यही रखते हैं और यहाँ लेंगे माइनस माइनस रूट बी माइनस क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा जब प्लस हो जाएगा तो रूट बी रूट बी एड होगा कटेगा नहीं तो क्या मिल जाएगा हमें देखिए मिलेगा हमें ए प्लस रूट बी यहाँ हो जाएगा माइनस ए प्लस रूट बी इसका मतलब कि रूट ये ए, ए, ए कैंसिल आउट हो गया बट रूट बी रूट बी एड हो जाएगा टू रूट बी हो जाएगा तो ये क्या है एक इरेशनल नंबर है तो हमने दो नंबर्स का जब डिफरेंस निकाला मतलब ए प्लस रूट बी ये भी क्या है इरेशनल नंबर है और ए माइनस रूट बी है ये भी एक इरेशनल नंबर है तो हमें मिल गया टू टाइम्स रूट बी तो ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर सूटेबल तो हम ले लेते हैं पहले टू प्लस रूट थ्री ठीक है अब इसमें से सेपरेट कर देंगे टू माइनस रूट थ्री देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मतलब आ जाएगा यहाँ पर टू रूट थ्री माइनस टू प्लस रूट थ्री ऐसा होगा देखिए रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल नहीं हुआ हम यही चाहते थे क्योंकि रेशनल नंबर बनाना हमें ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और ये मिल गया हमें टू रूट थ्री तो हमें जो रिक्वायर्ड एग्जाम्पल मिल गए वो मिल गए ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड तो टू इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर विल बी टू प्लस रूट थ्री एंड टू माइनस रूट थ्री केवल यही नहीं आप बहुत सारा और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको तो यहां पर रिक्वायर्ड एग्जाम्पल होंगे फर्स्ट यहां पर देते है टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री फोर प्लस रूट फाइव एंड फोर माइनस रूट फाइव ये भी एग्जाम्पल होगा ऐसे ही आप चेंज करके बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल दे सकते हैं लेकिन आपको केवल देना है एक ही एग्जाम्पल गिव एन एग्जाम्पल ओके अब चलिए अब देना है कि डिफरेंस होना चाहिए क्या रेशनल नंबर अब डिफरेंस यदि तेसरा नंबर होना चाहिए इसका मतलब कि इन्हीं को लेंगे जैसे कि टू प्लस रूट थ्री ले, ले लेते हैं इनका इसमें से माइनस करेंगे ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल ये रूट कटे ये जो टू है वो ना कटे करें। क्या करेंगे यहाँ पर यदि हम माइनस टू ले लें माइनस टू और यहाँ पर ले लें प्लस रूट थ्री यदि ऐसे ले लेते हैं है ना देखिए माइनस टू यहाँ पर क्यों किए क्योंकि ये माइनस माइनस मैं में होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो तेसरा नंबर नहीं कटेगा लेकिन ये इरेशनल वाली क्वांटिटी रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगी तो देखिए क्या मिलेगा हमें टू प्लस रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस टू और टू प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट थ्री देखिए रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है अपोजिट साइन है और टू टू फोर हो जाएगा इसका मतलब कि ये दोनों परफेक्ट एग्जाम्पल हैं मतलब कि हमें यहाँ पर बस सोचना है कि कैसे हम ब्रेड के अंदर ऐसे क्वांटिटी लें जिसमें कि रूट वाली क्वांटिटी कट जाए क्योंकि हमें निकालना है रेशनल नंबर्स ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं देखिए इसका एग्जाम्पल होगा टू प्लस रूट थ्री यदि लेते हैं तो दूसरा लेना पड़ेगा रूट थ्री माइनस टू ऐसे लेना पड़ेगा क्योंकि तभी ये माइनस टू प्लस में हो पाएगा या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप दूसरा ले सकते हैं जैसे सेवन प्लस रूट फाइव यदि ये लेते हैं तो रूट को कटाना है हमें है तो लिखना पड़ेगा माइनस सेवन प्लस रूट फाइव अब कह रहा है कि सम क्या होना चाहिए सम इज़ एन इरेशनल नंबर अब दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम करने पर इरेशनल नंबर हो जाए और वो नंबर्स लेने हैं इरेशनल नहीं मतलब देखिए टू प्लस रूट थ्री ले, ले लेते हैं और यदि इसमें हम सम करें सम करें एक दूसरा इरेशनल नंबर तो वह बन जाए इरेशनल नंबर तो हम क्या करेंगे बिल्कुल आसान है हम क्या करेंगे कि रूट वाली क्वानिटी ही चेंज कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर तो हम ले लेते हैं थ्री आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं कोई भी नंबर और यहाँ ले लेते हैं रूट फाइव ठीक है यदि ऐसे ले लें हम तो आसानी से हमारा ये सम करेंगे तो एक इरेशनल नंबर ही होगा है ना कुछ भी नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा देखिए टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव प्लस ये रूट थ्री प्लस रूट फाइव होगा तो ये डेफिनेटली क्या है एक इरेशनल नंबर है तो ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ठीक है तो इसका एग्ज़ाम्पल यदि मैं लिख दूँ तो ऐसे दे सकते हैं आप थर्ड का फाइव प्लस रूट टू ठीक है ये हो गया एक रेशा नंबर और दूसरा नंबर ले लेते हैं रूट थ्री माइनस फाइव मान लीजिए ये ले, ले लेते हैं तो इन दोनों का यदि हम सम करेंगे तो देखिए रूट वाली क्वांटिटी कटेगी नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर्स हैं और वैसे भी हम सम कर रहे हैं केवल ये फाइव वाली क्वांटिटी कट जाएगी तो रूट में आ जाएगा सिंपल है ना जैसे कि हम देखते हैं फाइव प्लस रूट टू में यदि हम प्लस कर दें रूट थ्री माइनस फाइव देखिए फाइव फाइव कैंसिल आउट हो गया और रूट टू प्लस रूट थ्री बचेगा और रूट टू प्लस रूट थ्री आप जानते ही हैं कि ये क्या है एक इरेशनल नंबर है तो हमारा ये दोनों एग्जाम्पल परफेक्ट है ओके अब हमें ऐसे दो इरेशनल न... नंबर से लेने हैं जिनका सम करने पर एक रेशनल नंबर बन जाए ठीक है सम करने पर रेशनल बन जाए तो क्या करना है हमें एग्जाम्पल लेना है कुछ इस तरीके से फोर प्लस रूट थ्री मान लीजिए हम लेते हैं फोर प्लस रूट थ्री एक और दूसरा लेना पड़ेगा हमें ऐसा नंबर जिसमें रूट थ्री सम करने पर कट जाए इसका मतलब कि हमें लेना पड़ेगा फोर माइनस रूट थ्री क्यों ऐसा लेना पड़ा क्योंकि अब देखिए ध्यान से यदि हम ऐड करेंगे फोर प्लस रूट थ्री में यदि हम ऐड करते हैं फोर माइनस रूट थ्री तो देखिए यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा इसका मतलब कि रूट थ्री रूट थ्री का जीरो आउट हो जाएगा और फोर फोर एट हो जाएगा और एट क्या है रेशनल नंबर हमें रेशनल नंबर लाना था तो इसका मतलब कि हम इस तरीके से चूज करेंगे तो हमें यह भी ध्यान देना है कि सम करना है या डिफरेंस करना है सम करना है तो यहां पर साइन को अपोजिट रखेंगे तभी यह इरेशनल नंबर्स कैंसिल आउट हो पाएगा जो ये रूट थे, रूट में जो जुकानटी है आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर अब देखिए प्रोडक्ट कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो इरेशनल नंबर हो जाए हमें ऐसा यूज करना पड़ेगा रूट टू 2, टु प्लस टू मान लीजिए कि रूट टू प्लस टू लिए हम और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा इसके कंजुगेट से नहीं कभी भी इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई मत, मत करिएगा क्योंकि यदि इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह रेश नंबर बनेगी है ना तो हम इसके कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं जैसे कि यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट टू माइनस थ्री यदि रूट टू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर जो आएगी वही रेशन नंबर आएगी क्यों क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट टू प्लस टू में मल्टीप्लाई यदि करें हम रूट टू माइनस थ्री से तो क्या मिलेगा देखिए रूट टू रूट टू हो जाएगा टू और फिर रूट टू से थ्री में करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस सॉरी माइनस टू माइनस रूट थ्री मिलेगा यहाँ पर और देखिए टू से करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस टू रूट टू और फिर यहाँ टू माइनस सिक्स हो जाएगा अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट वाली क्वांटिटी तो वैसे ही रहेगी केवल सिक्स है और टू सॉल्व हो जाएगा तो इसमें मिलेगा हमें माइनस फोर माइनस रूट थ्री फिर होगा प्लस टू रूट टू तो ये रूट वाली क्वांटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इसीलिए यह नंबर क्या है इरेशनल है ठीक है तो ऐसे नंबर चूज़ करेंगे कोई भी ऐसे नंबर जो अपोजिट हो कंजुगेट ना हो कंजुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट निकालने पर अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसमें हम यही करेंगे मतलब कंजुगेट लेंगे कह रहा है कि प्रोडक्ट करने पर रेशनल नंबर बन जाए तो रेसर बनाना है तो दो हम इरेशनल नंबर चूज करेंगे इस तरीके से जैसे कि हम ले लेते हैं पहला ले, ले लेते हैं फोर प्लस रूट थ्री ठीक है ऐसी कंजुगेट का ले लेंगे कंजुगेट मतलब कि फोर माइनस रूट थ्री अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे ना तो देखिए ए प्लस बी है ये और ये ए माइनस बी है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यदि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं जैसे कि हम कर ले फोर प्लस रूट थ्री एंड मल्टीप्लाई करेंगे फोर माइनस रूट थ्री से तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर और ये हो जाएगा फोर फोर सिक्सटीन माइनस नाइन मतलब कि सेवन तो सेवन क्या है सेवन एक रेश नंबर है और हमें इसे रेशन नंबर लाना था तो कंजुगेट ले लेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा एक रेशल नंबर अब क्या करना है कोशिएंट निकालना है कोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर देखिए हमें बताना है कि कोशियंट क्या हो जाए इरेशनल नंबर हो जाए मतलब कोशियंट करने का मतलब कि किसी इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करने पर हमें मिल जाए इरेशनल नंबर हमें ऐसा फाइंड करना है तो ऐसा फाइंड करने के लिए हम रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर चूज करेंगे जैसे कि मान लीजिए टू इंटू थ्री इंटू थ्री ऐसा चूज करते हैं होला तो हम चाहेंगे ना कि केवल एक थ्री कैंसिल आउट हो जाए ये मान लीजिए ये ये थ्री कैंसिल आउट हो जाता है तो इ रेशनल नंबर रहेगा ही रहेगा तो हम क्या करेंगे रूट थ्री से डिवाइड कर देंगे तो रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो इसको हम, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से होल में कर सकते हैं रूट को और लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू थ्री होल अपन थ्री एक कैंसिल आउट हो prócend, तो गया तो क्या मिलेगा हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा क्योंकि टू थ्री जगह सिक्स होता है यदि हम रूट टू से डिवाइड किए होते तो टू टू कैंसिल आउट हो गया होता और एक मिल जाता हमें रेशनल नंबर है कि नहीं तो इस तरीके से आप नंबर्स निकाल सकते हैं तो यहां पर जो ऊपर मैंने नंबर लिया था ये क्या था ये एक्चुअली अंडर रूट एटीन है और नीचे वाला क्या है रूट थ्री जानते ही हैं रूट थ्री है तो ये इन दो नंबर्स को चूज कर सकते हैं आप रूट एटीन एंड रूट थ्री और इन दोनों का कोशियंट क्या आएगा रूट सिक्स आएगा जो कि एक इरेशनल नंबर है और यही निकालना था हमें कोशियंट ठीक है क्वेश्चन का मतलब होता है डिवाइड करना तो यहाँ देखिए अब नेक्स्ट एंड द लास्ट कोशियंट इज़ अ रेशनल नंबर तो क्वेश्चन क्या हो रेशनल नंबर हो इसका मतलब कि जो अंडर रूट में एटीन लिया था हमने इसी में हम डिवाइड कर दें अंडर रूट टू से मतलब ये दो नंबर्स को चूज कर लें हम और इनका क्वेश्चन निकालें तो आपको डेफिनेटली मिलेगा क्या देखिए अंडर रूट एटीन लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू थ्री होल अपन अंडर रूट टू तो ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा मिलेगा हमें अंडर रूट ऑफ नाइन इसका मतलब कि थ्री थ्री क्या है रेशनल नंबर तो हमें ऐसे नंबर चूज़ कर लेने हैं आप और भी एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं अपने मन से जैसे कि आप चाहें तो ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ जैसे कि टू इंटू टू इंटू थ्री ले लीजिए ऐसे और डिवाइड कर दीजिए रूट थ्री से इसका मतलब कि हमें ये नंबर क्या बनेंगी हमें ये बनेगी थ्री टू जे सिक्स एंड सिक्स टू जे ट्वेल्व तो रूट ट्वेल्व अपन रूट थ्री मतलब ये नंबर और ये नंबर मतलब रूट ट्वेल्व एंड रूट थ्री ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा जिनका कोसिएट कोस क्या आएगा यहाँ पर कटेगा तो क्या मिलेगा देखिए हो जाएगा तो मिलेगा रूट फोर और आ जाएगा टू मतलब रेस्ट्रा नंबर मिल जाएगी तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं ठीक है जिसमें से कट कटने के बाद ये टू बाहर निकल जाए या थ्री बाहर निकल जाए या फाइव बाहर निकल जाए तो पेयर्स जिनका बन रहा है वही केवल बचे नंबर्स तभी वह रेस्ट्रा नंबर हो सकता है तो ऐसे आप लाखों एग्जाम्पल अपने दिमाग में बना सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन एग्जामिन वेदर दिफाल्विंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल तो हमें इन्हें एग्जामिन करना है अच्छे से देख कर पता करना है कि ये नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल ओके okay? तो देखिए थ्री प्लस रूट थ्री तो थ्री प्लस रूट थ्री ये इरेशनल होगा क्यों क्योंकि देखिए ये थ्री क्या है थ्री है आपका रेशनल और रूट थ्री क्या है इ तो so, दोनों का समझ होगा मतलब रेशनल प्लस इ इज ऑलवेज इेशनल देयर इट इज एन इेशनल नंबर ठीक है हमने पहला फर्स्ट कर लिया रूट सेवन माइनस रूट टू यहां भी वही है देखिए यहां पर रूट सेवन क्या है इरेशनल नंबर और ये टू क्या है रेशनल तो इेशनल माइनस रेशनल देखिए मतलब कि इरेशनल यदि रहेगा एक नंबर और दूसरा नंबर रेशनल हो और उसमें प्लस माइनस कुछ भी करें तो वह नंबर इरेशनल ही होती है तो दिस इज एन इरेशनल नंबर यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर थर्ड में हमें क्यूब रूट ऑफ फाइव दिया है और क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव दिया है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं फाइव टू दी पावर मतलब कि क्यूब रूट ऑफ देखिए दोनों पर जो पावर है वो वन बाई थ्री है क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वन बाई थ्री पावर तो दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई uh, कर सकते हैं मतलब फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इसका मतलब कि ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा फाइव इंटू फाइव देखिए यहां पर थ्री नंबर्स का पेयर बन गया फाइव का तो ये फाइव बाहर आ सकता है तो फाइव क्या है रेशनल नंबर है थर्ड पार्ट में ये जो पूरा नंबर है वह क्या है रेशनल है ठीक वैसे यहां भी करेंगे क्या करेंगे देखिए ध्यान से यहां पे अंडर रूट है है ना स्क्वायर रूट यहां भी है यहां भी स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई कर दीजिए सेवन इंटू थ्री फोर्टी थ्री यदि थ्री फोर्टी थ्री को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेंगे सेवन इंटू देखिए सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन तो आप देख रहे हैं कि टू सेवन का यहाँ पेयर बन रहा है सो फोर्टी नाइन आपका बाहर आ जाएगा इसका मतलब कि फोर्टी नाइन क्या है रेशनल नंबर है सो दिस इज रेशनल ऐसे आप सिंपलीफाई करके पता करेंगे तब पता चलेगा कि वो रेशनल है या इरेशनल केवल स्क्वायर रूट को देखकर पता नहीं कर पाएंगे आप तो यहाँ देखिए थर्टीन अपन वन हंड्रेड सेवनटीन है थर्टीन का टेबल पढ़िए थर्टीन वन जाए थर्टीन थर्टी नाइनजा वन हंड्रेड सेवनटीन इसका मतलब कि स्क्वायर रूट में आ गया वन अपन नाइन अब यहाँ पर तो आप कर सकते हैं वन अपन स्क्वायर रूट ऑफ नाइन तो लिख सकते हैं आप वन अपन थ्री तो वन अपन थ्री क्या है रेशनल नंबर है सो दिस क्वान्टिटी इज ऑल्सो रेशनल नाउ द लास्ट वन स्क्वायर रूट ऑफ एट मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ टू मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एट इंटू टू ऐसा लिख सकते हैं इसको यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ एट को फैक्टराइज़ करें तो मिलेगा हमें टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू जो एक टू बचा था देखिए दो दो का पेयर बन रहा है आराम से निकाल दिए बाहर तो टू टू जो फोर बाहर आ जाएगा फोर क्या है रैशनल नंबर है सो दिस नंबर इज ऑल्सो रैशनल ओके दिस इज डन क्वेश्चन एट इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू एंड टू पॉइंट फाइव तो ये टू और टू पॉइंट फाइव के बीच में हमें एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है देखिए कैसे फाइंड करते हैं यदि आपको रेशनल फाइंड करना है तो टू और टू पॉइंट फाइव के एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट फाइंड कर लीजिए मतलब कैसे फाइंड करेंगे इसको दोनों को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर बिटवीन टू एंड टू पॉइंट फाइव इज़ गिवन बाय टू प्लस टू पॉइंट फाइव दोनों बाइड करेंगे और टू से डिवाइड कर लेंगे कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर आएगा फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू कैंसिल आउट करेंगे टू टू जब फोर एंड पॉइंट टू टू जे फोर एंड टू फाइव बाई टेन मतलब टू पॉइंट टू फाइव ये जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा टू पॉइंट टू फाइव अब हमें चाहिए कि रेशनल नंबर रेशनल नंबर करने के लिए हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक देखिए यहाँ पर जो हम निकाला है ना ये टू को टू पॉइंट फाइव में ऐड करके टू से डिवाइड कर दिया इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन आगे पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में तो पढ़ेंगे इरेशनल नंबर फाइंड करना एक 2 2 है एक टू और टू पॉइंट फाइव के बीच में तो हम निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू एंड टू पॉइंट फाइव इज गिवन लाइक दिस देखिए स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट में जो ये टू है और टू पॉइंट फाइव है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब टू इंटू टू पॉइंट फाइव ये जो नंबर आएगी ये ऑर्थमेटिक मीन के जस्ट थोड़ा सा बगल में आएगी यहां पर तो ये जो नंबर होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ फाइव क्योंकि ट्वेंटी फाइव टू जै फिफ्टी हो जाएगा और डेसिमल लगा है तो एक डेसिमल हट जाएगा मतलब जीरो हट जाएगा मतलब रूट फाइव मिलेगा तो दिस इज रूट फाइव तो रूट फाइव इज स्मालन टू पॉइंट टू फाइव मतलब थोड़ा सा स्मॉलर होता है थोड़ा छोटा होता है तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में होता है ओके सो दीज आर द टू नंबर्स वन इज रेशनल एंड वन इज इरेसनल बिटवीन टू एंड टू पैंट फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री फाइंड एनी थ्री इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री तो कितने इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं रूट टू और रूट थ्री के बीच में इनके जो रूट टू है और रूट थ्री है इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होंगे ये बताना है तो आप समझ सकते हैं कि दो नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं तो पहले का तो आंसर पक चल गया आपको फर्स्ट का आंसर होगा कि इन्फाइनाइट होंगे ठीक है देर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री अब हमें थ्री इरेशनल नंबर फाइंड करना है एग्जैक्टली exactly कि इनके बीच में लाइक करने वाले कैसे फाइंड करेंगे देखिए पहले पहले रूट टू को रूट टू का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे रूट टू का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वन पॉइंट फोर वन फोर डॉट 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 देखिए मैंने इसको डेसिमल uh, के थ्री डिजिट्स तक डेसिमल फॉर्म में लिखा है मैंने रूट टू को ठीक वैसे ही रूट थ्री को लिख लेंगे तो रूट थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन थ्री टू डॉट 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 और देखिए रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू ये कैसे आई आप लॉन्ग डिविजन मेथड से कर सकते हैं ऐसे होता है ना लॉन्ग डिविजन मेथड तो वैसे आप करके वन पॉइंट फोर वन फोर वैल्यू निकाल सकते हैं तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो थ्री इरेशनल नंबर फाइंड करना तो जब हमें रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर मिल गई और रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू मिल गई तो कैसे फाइंड करेंगे थ्री नंबर्स मान लीजिए एक नंबर यहाँ है एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ फाइंड करते हैं तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर फाइंड करते हैं देखिए वन पॉइंट फोर और 1.7 केवल इन दो नंबर्स को लीजिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक तो 1.4 और 1.5 के बीच में एक नंबर बताइए तो आप सोचेंगे तो मिलेगा आपको कि एक नंबर होगा 1.5 है कि नहीं 1.4 और 1.5 के बीच में क्या होगा 1.5 क्योंकि 1.4 के आगे, आगे आप काउंट कर सकते हैं 1.5 1.6 ये भी होगा तो 1.5 ले लेते हैं वन लेने के बाद उसके आगे एक प्रोग्रेसिव पैटर्न बना दीजिए बस क्योंकि हमें बनाना है इरेशनल नंबर तो हम ना ही इसको टर्मिनेट करेंगे और ना ही इसको रिपीट करेंगे मतलब डेसिमल के बाद हमें रिपीटेशन पैटर्न नहीं बनाना या फिर टर्मिनेट नहीं कर देना इसको कंटिन्यूस आगे बढ़ाना है लेकिन विदाउट एनी पैटर्न तो हम क्या करेंगे इसको प्रोग्रेसिव पैटर्न बनाएंगे मतलब कि 1.5 के आगे कोई एक दूसरा डिजिट रखिए तो हम इसे आगे रख देते हैं जीरो अब जीरो के आगे ये फाइव जो नंबर था उसी को रखिए अब इस 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 फाइव के आगे ये जो जीरो आपने लगाया था इसको दो बार रखिए फिर ये फाइव रखिए फिर ये दो बार तीन बार रखिए दो बार पहले से था अब तीन बार रखिए और फिर फाइव रखिए और फिर इसको फोर टाइम्स रखिए तो समझ रहे हैं डॉट 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 ये रिपीट नहीं कर रहा ये प्रोग्रेसिव है मतलब कि जीरो जो है बार बार ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर रिपीटेशन तो होगा ही नहीं कभी राइट तो ऐसे नंबर्स बनाएंगे तो ये इरेशनल नंबर होगी तो ये फर्स्ट नंबर है जो इरेशनल नंबर है बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री हमने जो फाइंड किया है ठीक है अब फाइंड करेंगे तो सेकेंड वन देखिए सेकेंड फाइंड करने के लिए 1.4 और 1.7 के बीच में आगे थोड़ा सा बढ़िए और एक और नंबर फाइंड करिए तो हमें मिल जाएगा 1.6 1.6 अब इसके आगे कोई एक डिजिट रखिए अपने मन से बस ये याद रखना है कि 1.6 जो है 1.4 और 1.7 के बीच में होना चाहिए अब उसके बाद से तो कोई भी डिजिट आप रख सकते हैं अपने मन से मैंने ले लिए मान लीजिए वन अब उसके बाद इसके आगे रखिए सिक्स ये जो सिक्स था वही उसके बाद से फिर वन वन दो बार रखिए फिर सिक्स रखिए फिर वन 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 तीन बार रखिए फिर से सिक्स रखिए फिर वन 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 फोर बार रखिए फिर से सिक्स रखिए डॉट 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 ऐसे होता रहेगा तो ये आपका सेकेंड इरेशनल नंबर है बिटवीन दिस टू अब यदि थर्ड निकालना है अब क्या करना है कि वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट सेवन के बीच में एक और नंबर लीजिए तो वन पॉइंट सेवन ले सकते हैं एक और बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वन पॉइंट सेवन लेने के बाद देखिए वन पॉइंट सेवन यहाँ ऑलरेडी है लेकिन उसके आगे वाला डिजिट थ्री है तो अब थ्री से लेस एक नंबर ले सकते हैं यहाँ पर तो वन पॉइंट सेवन के आगे यहाँ पर जीरो लीजिए क्योंकि तो जीरो लेंगे तभी वो थ्री से छोटा होगा तो वन पॉइंट सेवन थ्री से छोटा है वन पॉइंट सेवन जीरो तो हम इसको लेकर के रिपीट कर सकते हैं तो अब इसके बाद से फिर सेवन लगाइए फिर ज़ीरो 00, ज़ीरो फिर ट्रिपल जीरो फिर सेवन फिर फोर टाइम्स ज़ीरो फिर सेवन डॉट 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 ऐसे होता रहेगा तो यहाँ पर ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है और देर इज़ नो एनी रिपीटिंग पैटर्न सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या और नॉन रिपीटिंग ओके तो यही नहीं है आप और भी बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं जैसे मान लीजिए फोर्थ वन लेता हूँ बनाता हूँ मैं 1.4 और 1. सॉरी 1.4 एंड 1.7 के बीच में कोई और नंबर लीजिए तो यदि आपको इन दो नंबर्स में से लिमिटेड मिल रहे हैं तो आप क्या करिए कि इसको इंक्रीज़ कर दीजिए मतलब 1.41, 1.41 एंड 1.73 इनके बीच में कोई नंबर लीजिए तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि 41 और 73 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं तो हम कोई भी ले लीजिए तो ले लेते ले ले हैं वन ठीक है देखिए वन क्योंकि फोर्टी और सेवेंटी के बीच में ये लाई करेगा फोर्टी तो हमने ले लिया वन अब करना है इसके आगे कोई भी एक नंबर रखिए जैसे मान लीजिए लिखते हैं जीरो अब ये फाइव को लिख दीजिए फिर उसके बाद सर डबल ज़ीरो लिखिए फिर फाइव को लिख दीजिए फिर डबल ज़ीरो लिखिए तो ट्रिपल जीरो फिर फाइव मतलब तो एक इंक्रीज करते रहिए ये जो नंबर बनेगी ये भी क्या है इरेशनल नंबर है बिटवीन दिस टू तो 1.41 और 1.73 के बीच में आप चाहें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको लेकर बना सकते हैं यदि हम यहाँ फिफ्थ बनाना चाहें तो देखिए ध्यान से वन ये फोर्थ फोर हमने फाइव लिया था अब ले लेते हैं वन पॉइंट फाइव थ्री ठीक है वन पॉइंट फाइव थ्री ले लीजिए फिर लिखिए यहाँ पर फाइव uh, फिर लिखिए थ्री फिर लिखिए फाइव फिर लिखिए थ्री थ्री फिर लिखिए फाइव डॉट 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 ऐसे करके इनकीज कर सकते हैं तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री हमें तो थ्री फाइंड करना है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं ओके क्वेश्चन नंबर टेन फाइंड टू रेशनल एंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट फाइव फाइव देखिए पहली बात तो ये कि जीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट फाइव फाइव के बीच में देर आर इन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देर आर इन नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स तो हमें केवल टू ही तो फाइंड करना है बहुत आसान होना चाहिए है कि नहीं चलिए तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इसको हम सॉल्व करेंगे कोई पैटर्न नहीं है कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर देखिए जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर है जीरो पॉइंट फाइव फाइव हमें फाइंड करना है टू रेशनल नंबर्स तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं तो हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फाइंड करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं तो जीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट फाइव फाइव के बीच में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ढूंढने हैं तो बहुत आसान है देखिए जीरो पॉइंट फाइव को हम ले सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव जीरो इसके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं ना डेसिमल के आगे और उसकी उसके उससे कुछ चेंज नहीं होगा है ना ये बिल्कुल वही है अब यहाँ पर इसको लिख दीजिए फिर से एक बार और जीरो पॉइंट फाइव फाइव अब आप देखेंगे कि जीरो पॉइंट फाइव जीरो एंड जीरो पॉइंट फाइव फाइव के बीच में ऑलरेडी कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे क्योंकि फिफ्टी और फिफ्टी फाइव के बीच में नंबर्स होते हैं फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर होते हैं ना बस वही तो करना है तो फर्स्ट रेशनल नंबर यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो यहां पर, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट रेशनल नंबर पहला होगा जीरो पॉइंट फाइव इसके आगे वाला नंबर ले लीजिए जीरो पॉइंट फाइव वन और टर्मिनेट कर दीजिए मतलब जीरो पॉइंट फाइव वन यही आपका एक पहला रेशनल नंबर होगा क्योंकि देखिए जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो जीरो और जीरो पॉइंट फाइव फाइव के बीच में है, है कि नहीं और जो सेकेंड नंबर होगा वो हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव टू ले लीजिए फाइव थ्री ले लीजिए तो हम थ्री ले, ले लेते हैं जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव थ्री ये इनके बीच में ही है तो ये हमारे टू रेशनल नंबर्स हो गए आर द टू रेशनल अब हम फाइंड करेंगे टू इरेशनल नंबर्स तो हमें करना है टू इरेशनल नंबर्स तो हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स होते हैं कैसे टू इरेशनल नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं मतलब इनके बीच में ही फाइंड करना है बट वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पैटर्न बनाना है आपको मतलब कि जो फर्स्ट होगा इरेशनल नंबर बिटवीन जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट फाइव फाइव वो हम ले सकते हैं देखिए जीरो पॉइंट फाइव जीरो के आगे बढ़िए थोड़ा सा कोई भी नंबर ले लीजिए जिससे जीरो पॉइंट फाइव वन ले ले लेते हैं जैसे यहाँ पर लिए थे इसी को ले लेते हैं जीरो पॉइंट फाइव वन लेकिन हम यहीं तक रुकेंगे नहीं हमें क्या करना है इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है मतलब कि इसके आगे बढ़ना चाहिए इन्फिनेट तक और नॉन रिपीटिंग बनाना है मतलब कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए तो चलिए जीरो पॉइंट फाइव वन हो गया अब क्या करेंगे फिर से फाइव रख दीजिए जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव फिर वन वन को रिपीट करिए फिर फाइव फिर तीन बार रिपीट करिए फिर फाइव फिर से वन वन को फोर टाइम्स फिर फाइव डॉट 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 ऐसे बन जाएगा तो ये नंबर जो है एग्जैक्टली जीरो पॉइंट फाइव जीरो और जीरो पॉइंट फाइव फाइव के बीच में है क्यों क्योंकि आप मैच करेंगे केवल यहीं पर ना जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो पॉइंट फाइव वन तो है ही तो आप हाइड करेंगे दूसरा नंबर तो दूसरा नंबर जो होगा वो इन्हीं के बीच में कोई नंबर लेते हैं दूसरा जीरो पॉइंट लेते हैं फाइव थ्री ले सकते थे आप तो आप कोई भी ले सकते हैं जीरो पॉइंट फोर ले लेते हैं जीरो पॉइंट फाइव फोर अब इसके आगे देखिए जीरो पॉइंट फाइव फोर जो है ना वो जीरो पॉइंट फाइव जीरो और जीरो पॉइंट फाइव फाइव के बीच में है एग्जैक्टली क्योंकि 50 और 55 के बीच में है ना 54 तो उसके बीच में ही हुआ अब इसके आगे जो है कोई भी डिजिट लगाएंगे तब भी वो नंबर इन इन दोनों के बीच में ही होगी तो इसके आगे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं तो हम ले लेंगे फाइव फिर फोर को एक बार रखेंगे अच्छा फाइव को दो बार रिपीट कर सकते थे चलिए फाइव को ही रिपीट करना स्टार्ट करते हैं देखिए फाइव यहाँ पर एक बार आया था अब इसको दो बार कर देंगे फिर लिखेंगे फोर फिर से फाइव 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 फिर लिखेंगे फोर फिर फाइव 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 एंड फाइव लिखेंगे फोर डॉट डॉ डॉट ऐसे इन्फिनाइट तक आता रहेगा तो ये नंबर ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर है बिटवीन दिस टू और भी बहुत सारे नंबर्स आप फाइंड कर सकते थे जैसे कि तीसरा फाइंड करते हैं थर्ड वन देखिए जीरो पॉइंट हम ले सकते हैं फाइव टू है ना जीरो फाइव टू ले लेंगे और उसके बाद से लिखेंगे फाइव एक बार फिर टू फिर फाइव फाइव फिर टू फिर फाइव 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 फिर टू डॉट डॉ डॉट ऐसे ये भी एक रेशनल नंबर हुई इन दोनों के बीच में तो बस हमें इन दोनों के बीच में इस तरीके से हम इरेशनल रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं तो हमें तो केवल टू तो ही इरेशनल नंबर फाइंड करना था तो हम ये ले लेंगे ये ले लेंगे आंसर हो जाएगा और टू तो रेशनल नंबर्स तो ये हो जाएंगे और यदि रेशनल नंबर्स और भी फाइंड करना है आपको जीरो पॉइंट फाइव वन के बाद जीरो पॉइंट फाइव टू ले सकते थे जीरो पॉइंट फाइव थ्री हो गया जीरो पॉइंट फाइव फोर भी हो जाएगा अच्छा क्या यही सब होंगे और भी होंगे क्या तो और भी बहुत सारे होंगे जैसे कि जीरो पॉइंट फाइव जीरो यहाँ पर है यदि हम इसको जीरो पॉइंट फाइव हंड्रेड लिख दें और इसको लिख दें जीरो पॉइंट फाइव फिफ्टी तो और भी नंबर्स मिल सकते थे देखिए जीरो पॉइंट फाइव जीरो वन है ना जीरो पॉइंट फाइव जीरो वन ये हो गया हमारा एक और रेशनल नंबर क्योंकि टर्मिनेटेड है ये यहाँ देखिए और और भी इसके आगे बढ़ाते रहिए फिफ्टी तक जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो थ्री जीरो पॉइंट फाइव जीरो फोर ऐसे करते करते जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव फोर नाइन मैंने जीरो पॉइंट फाइव फोर नाइन इसके जस्ट एक पहले तक जा सकते हैं तो इस तरीके से आप इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स फाइव पॉइंट सेवन एंड नाइन अपॉइन इलेवन सबसे पहले आपको फाइव में सेवन से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर नाइन में इलेवन से डिवाइड करेंगे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पैटर्न बनेगा इन इनका तो हमने यहाँ डिवाइड किया तो क्या मिला हमें देखिए फाइव में हमने सेवन से डिवाइड किया तो मिला हमें जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव तो दीज सिक्स ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग ओके यहाँ पर देखिए फाइव के बाद हम फाइव के बाद फिर से जीरो आ जाएगा मतलब कि फाइव जीरो आ जाएगा फिर यही सारी चीज़ें रिपीट होने लगेंगी तो हमें ये मिला तो यहाँ लिख देंगे जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव तो हमने इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है और ये बार लगा दिया हमने कि मतलब ये ब्लॉक ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ डीज आर रिपीटिंग ओके अब यहां पर देखिए नाइन अपन इलेवन तो नाइन में यदि इलेवन से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म इसका होगा ये जीरो पॉइंट एट वन बार मीन्स जीरो पॉइंट एट वन एट वन रिपीट कर रहा है तो एट वन पे बार लगा दीजिए तो हमने इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है अब हमें निकालना है इरेशनल नंबर्स तो यहां पर इरेज कर देते हैं अब ध्यान समझिएगा यहां पर 0.714285 और 0.818181 ऐसा आता रहेगा यहां भी डॉट डॉट करके मतलब ये सिक्स ब्लॉक ऑफ डिजिट्स विल रिपीट हमें बस मतलब है थ्री इरेशनल नंबर्स फाइंड करना थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है तो 0.71 देखिए बस केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑब्जर्व करिए जीरो पॉइंट सेवन वन और जीरो पॉइंट एट वन तो आप देखेंगे कि सेवेंटी वन और 81 वन के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट है ना क्या करना है कि जीरो पॉइंट दैट नंबर मैंने कोई भी एक नंबर ले लेना है तो इनके बीच में पहला जो नंबर होगा जो इरेशनल होगा वो मिलेगा हमें देखिए जीरो पॉइंट बताइए सेवेंटी वन और एटी वन के बीच में कोई भी नंबर तो हम ले लेते हैं सेवन टू ठीक है जीरो पॉइंट सेवन टू क्या होगा जीरो पॉइंट सेवन वन और जीरो पॉइंट एट वन के बीच में होगा इसका मतलब कि ये जो नंबर है वह इन दोनों के नंबर दोनों के बीच में होगा मतलब फाइव पॉइंट सेवन एंड नाइन पॉइंट इलेवन के बीच में ही होगा ये नंबर मेरे कहने का मतलब अब इसको क्या करना है अब इसको हमें नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न बनाना है और नॉन रिपीटिंग मैंने ऐसा बनाना है ऐसे लिखना है कि इसके डिजिट्स ना ही रिपीट करें और ना ही टर्मिनेट हों तो क्या करना पड़ेगा प्रोग्रेसिव पैटर्न बनाना पड़ेगा मतलब कि टू के आगे हम क्या लिखें देखिए टू के आगे हम क्या करते हैं यही सेवन लिख देते हैं एक बार और उसके बाद से टू टू कर देते हैं देखिए टू यहाँ पर डबल हो गया फिर सेवन लिखेंगे फिर टू को थ्री टाइम्स कर देते हैं तो यहाँ टू जो है थ्री टाइम्स हो गया फिर सेवन एक बार लिखेंगे फिर से टू को फोर टाइम्स कर देते हैं फिर डॉट 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 ऐसे होने लगेगा तो ये एक क्या है इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर अपने मन, मन मौजी करना है मतलब अपने मन से करना है मतलब कि जीरो पॉइंट के बाद मैंने सेवन लिया था आप सिक्स ले सकते थे है ना कुछ भी लेकर के आप बना लेते हैं तो हमने करते हैं हम सेकेंड अब एक सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो ध्यान दीजिएगा जीरो पॉइंट अब सेवन टू लिया था हमने अब कर लेते हैं सेवन टू सेवन थ्री सेवन फोर सेवन फाइव तो हम ले लेते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है आप कुछ भी ले सकते हैं सेवन जीरो पॉइंट सेवन फोर ले के स्टार्ट कर सकते हैं हमने लिख लिया जीरो पॉइंट सेवन फाइव अब हमने क्या किया है सेवन को एक बार लिखा फिर फाइव अच्छा सेवन को हमने दो बार लिखा मान लीजिए ओके फिर फाइव लिख लीजिए फिर सेवन को तीन बार लिख लीजिए फिर फाइव लिखिए फिर सेवन को चार बार लिखिए डॉट 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 तो ये क्या है ये भी एक रेशनो नंबर है बस ऐसे ही करना है तो हमारा लास्ट वन थर्ड रेशनों फाइंड कर लेते हैं देखिए अब हमें जीरो पॉइंट सेवन फाइव दिया था हमने फिर और आगे बढ़ जाइए तो मिलेगा हमें ज़ीरो पॉइंट एट लेते हैं जीरो पॉइंट एट्टी तो जीरो पॉइंट एट्टी जो है एट्टी वन से लेस है और सेवेंटी वन से ग्रेटर है मतलब इसी इन्हीं दोनों तो नंबर्स के बीच में है कहने का मतलब तो एट्टी के आगे देखिए जीरो मिल चुका है तो बहुत बढ़िया है एट रखिए फिर डबल जीरो फिर फिर एट रखिए फिर ट्रिपल ज़ीरो फिर एट रखिए फिर फोर टाइम्स ज़ीरो लाइक दिस यू कैन क्रिएट दिस रेशनल नंबर इतने ही नहीं आप बहुत सारे कंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि मैं एक और निकालता हूँ यहाँ पर जीरो पॉइंट सेवन टू हमने लिया था सेवन थ्री ले सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन थ्री फिर सेवन रखिए फिर थ्री को रिपीट कर दीजिए फिर सेवन फिर थ्री को थ्री टाइम्स फिर सेवन फिर फोर टाइम्स थ्री को ऐसे करके हो जाएगा ऐसे ही फिफ्थ निकाल सकते हैं आप क्या कर सकते हैं जीरो पॉइंट बस इनके बीच में एक नंबर ले लीजिए मतलब कि जीरो पॉइंट सेवन ले लेते हैं सिक्स ओके जीरो पॉइंट सेवन सिक्स उसके बाद से लिखिए सेवन फिर लिखिए अच्छा ज़रूरी नहीं कि इसके बाद ही रिपीट करिए कुछ आ, कुछ डिजिट आगे बढ़ने के बाद भी रिपीट कर सकते हैं या फिर मतलब रिपीट नहीं मतलब सॉरी प्रोग्रेसिवली आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए सिक्स सेवन सिक्स सेवन लिख दिया मैंने अब इसके आगे जीरो लगाइए फिर सेवन लिखिए फिर डबल जीरो लगाइए फिर सेवन लिखिए फिर ट्रिपल ज़ीरो लगाइए फिर सेवन लिखिए फिर फोर टाइम्स ज़ीरो लगाइए फिर सेवन लिखिए ऐसे भी कर सकते हैं मतलब तुरंत ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आप ऐसे पैटर्न बनाने लगें मतलब ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि तो ये इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर का मतलब ही होता है कि देर इज नो एनी रेश रेशनल देर इज नो एनी रेशनल थिंकिंग तो रेशनल थिंकिंग नहीं है इसमें इर है इर मतलब कि एकदम निगेटिव है रेशनल से तो आप यहाँ लॉजिक कुछ नहीं लगा सकते लेकिन जो यहाँ पर रेशनल में होता है उसमें हम लो लोग लॉजिक लगा देते हैं पता होता है कि हाँ रिपीट करेंगे कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स उसमें पता होता है फिक्स लेकिन इसमें पता कुछ भी नहीं है तो केवल आपको शुरू में बस चेक करना है कि इनके बीच में लाइक करता है कि नहीं वो नंबर उसके बाद से तो आप अपने मन से कुछ भी रखिए ठीक है।, है हम लोग तो ऐसा प्रोग्रेसिव पैटर्न बना देते हैं ताकि लगेगा कि हाँ हाँ रिपीट नहीं कर रहा लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप थ्री थ्री को रिपीट करें ऐसे तीन तीन बार लिखें चार बार लिखें आप वन टू थ्री फोर फाइव इन्हें नाइन एट वन जीरो वन टू थ्री थ्री फोर फाइव थ्री थ्री ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं समझ में आ रहा है दिस इज़ रियली आपके दिमाग पर निर्भर करता है क्योंकि ये इरेसनल्स हैं इरेशनल नंबर्स ऐसे ही होते हैं और ये ये भी बहुत सारे हैं चलिए हो गया खैर मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ दस सॉरी चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड टू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपन क्यू बिटवीन द नंबर्स जीरो पॉइंट टू वन टू वन वन टू वन 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 टू डॉ डर डॉट एंड जीरो पॉइंट टू जीरो टू जीरो जीरो टू जीरो 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 टू डॉ डर डॉट मतलब कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं और इन दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हमें फाइंड करना है पी बाई क्यू का मैंने इस तरह का नंबर मतलब रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं टू तो यदि दो रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में तो है बहुत आसान बस आपको सोचना है इस तरीके से समझिएगा ध्यान से सबसे पहले हम इन दोनों को लिख लेंगे तो वी हैव हमारे पास ये दो नंबर्स हैं अब ध्यान समझिएगा हमें इनके बीच में फाइंड करना है रेशनल नंबर्स ठीक है मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा या रिपीटिंग डेसिमल्स भी फाइंड कर सकते हैं बट हम चाहते हैं कि टर्मिनेट होने वाले फाइंड कर लें आसानी से ओके तो समझिएगा ध्यान से जीरो पॉइंट टू वन देखिए जीरो पॉइंट टू वन और जीरो पॉइंट टू जीरो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे थ्री डिजिट्स ले लेंगे तो जीरो पॉइंट टू वन टू है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ये इसको ध्यान समझिए और यहाँ देखिए जीरो पॉइंट टू ज़ीरो टू ये बताइए जीरो पॉइंट टू जीरो टू और जीरो पॉइंट टू वन टू इनके बीच में हम कुछ नंबर ले सकते हैं क्या है कि नहीं मतलब इनके बीच में यदि नंबर ले लें तो वो नंबर इनके बीच में ही होगा ना इस ये पूरा जो बड़ा नंबर दिख रहा है और ये जो पूरा बड़ा नंबर दिख रहा है इनके बीच में यदि हमें एक नंबर निकालना हो तो ज़ीरो पॉइंट हमें एक नंबर मिल जाएगी इस तरह की समझिएगा ध्यान से ज़ीरो पॉइंट टू जीरो फोर है कि नहीं मतलब कैसे मिल पाएगा जीरो पॉइंट फोर देखो समझिएगा जीरो पॉइंट टू जीरो टू है ये है ना जीरो पॉइंट टू जीरो टू है उसके आगे बढ़ेंगे तो जीरो पॉइंट टू जीरो थ्री मिलेगा फिर जीरो पॉइंट टू जीरो फोर एंड समथिंग तो रहेगा इधर खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना है ना तभी तो रेशनल नंबर मिलेगा तो जीरो पॉइंट टू जीरो फोर हम हमें एक ऐसा नंबर मिल गया अब इसी को यदि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें p बाई क्यू de, के फॉर्म में इसको हम दिखा दें तो वो एक नंबर मिल जाएगी तो यहां पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट समझिएगा ध्यान से जो जीरो पॉइंट टू जीरो फोर लाइज बिटवीन दिस टू नंबर्स देयर फोर दिस कैन बी कन्वर्टेड इन टू पी बाई क्यू फॉर्म एज लाइक दिस तो हम यहां पर क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तभी तो डिस्टमेंट हटेगा अब यहां क्या करेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे फोर से तो यदि हम फोर से कर देते हैं तो मिलेगा हमें फोर फ़ेड ट्वेंटी फोर वन जब फोर और यहाँ मिल जाएगा फोर टू जब एन फोर फाइव जा एन जीरो मतलब मिल जाएगा हमें पहला रेशनल नंबर पी वी क्यू के फॉर्म में फिफ्टी वन अपान टू हंड्रेड फिफ्टी है कि नहीं और ये नंबर कहाँ लाई करेगी इन दोनों के बीच में अब वही तो फाइंड करना था चलिए फर्स्ट हमने फाइन कर लिया अब करते हैं सेकेंड सेकेंड निकालने के लिए हमें बस इसी में आगे बढ़ना है देखिए जीरो पॉइंट टू जीरो टू से आगे बढ़ रहे थे तो, तो मिल गया था जीरो पॉइंट टू जीरो फोर अब यदि इसी के आगे बढ़ेंगे तो जीरो पॉइंट टू जीरो फाइव मिलेगा जीरो पॉइंट टू जीरो सिक्स मिलेगा जीरो पॉइंट टू जीरो सेवन मिलेगा तो क्यों ना हम बदलें जीरो पॉइंट टू जीरो सिक्स ओके तो ये एक और मिल गया हमें तो इसको यदि हम बदलेंगे जीरो पॉइंट टू जीरो सिक्स को यदि बदलेंगे किस में पी बाई क्यू के फॉर्म में तो क्या मिलेगा ठीक है टू जीरो सिक्स अपान थाउजेंड करना पड़ेगा ठीक है अब यदि हम कर, इसको कैंसिल आउट करें किससे से टू से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो टू हंड्रेड टू जीरो टू थ्री जी सिक्स और यह मिलेगा टू करेंगे तो फाइव हंड्रेड मतलब मिल गया हमें वन ज़ीरो थ्री अपान फाइव हंड्रेड तो हमने फाइंड कर लिया दो नंबर्स अभी यही नहीं आप मतलब कि और भी फाइंड कर सकते हैं जैसे कि मैं तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ केवल सिंपल दो दो रेस्टोरेंट में निकालने के लिए लेकिन आप और भी फाइंड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि जीरो पॉइंट टू जीरो थ्री भी तो होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जीरो पॉइंट टू टू जीरो थ्री इज टू हो जाएगा टू जीरो थ्री अपान थाउजेंड है कि नहीं ये भी एक रेशनल नंबर इनके बीच में लाई करेगी यदि हम ले लें जीरो पॉइंट टू जीरो फाइव ले लें ले, मैंने फाइव छोड़ा था इसमें तो ये भी बन जाएगा हमारा एक रेशनल नंबर मतलब ये हो जाएगा टू जीरो फाइव अपान थाउजेंड तो कैंसिल आउट कर दीजिए फाइव से तो फाइव फोर जेट ट्वेंटी फाइव फाइव एंड फाइव टू जै टेन ये हो जाएगा टू हंड्रेड मतलब मिल जाएगा फोर्टी वन अपान टू हंड्रेड तो ये भी एक रेस्ट्रॉट नंबर है जो कि दोनों के बीच में है ऐसे करके आप बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं है कि नहीं 13. और के में करना है बहुत आसान है सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले आप इन दोनों को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देंगे मतलब कि जीरो पॉइंट वन सिक्स को लिख सकते हैं हम जीरो पॉइंट वन सिक्स जीरो है कि नहीं ज़ीरो पॉइंट वन सेवन को लिख सकते हैं हम जीरो पॉइंट वन सेवन जीरो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखिए सिक्सटीन और सेवनटीन में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा हम चाहते हैं कुछ डिफरेंस आए जैसे 0.160 जीरो पॉइंट वन सिक्स जीरो और जीरो पॉइंट वन सेवन जीरो में टेन का डिफरेंस है मतलब नाइन नंबर आसानी से मिल जाएंगे मतलब कि जीरो पॉइंट वन सिक्स वन एक नंबर मिलेगा जीरो पॉइंट वन सिक्स टू है कि नहीं मिलते जाएंगे तो हम यहां पर करेंगे क्या Uh, हमें क्यों क्योर फाइन करना है टू इरेशनल नंबर्स तो कोई भी इसमें से एक नंबर ले लीजिए तो जीरो पॉइंट लेंगे हम वन सिक्स वन ओके तो फर्स्ट इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू विल बी जीरो पॉइंट वन सिक्स ठीक है जीरो पॉइंट वन सिक्स वन ले ले लेते हैं क्योंकि वन सिक्सटी से बड़ा है और वन सेवेंटी से छोटा है तो ये नंबर इन दोनों के बीच में होगा मतलब कि इन दोनों के बीच में होगा है कि नहीं अब देखिए उसके बाद यहाँ से बना दीजिए प्रोग्रेसिव पैटर्न मतलब कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए बस यही तो वन के बाद लिख देते हैं एक बार सिक्स फिर से फिर वन 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 सॉरी वन वन दो बार उसके बाद से फिर एक बार सिक्स फिर वन 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 थ्री टाइम्स फिर सिक्स फिर वन 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 फोर टाइम्स डॉट डॉ डॉट ऐसे बना सकते हैं आप तो ये हमें मिल गया एक रेसोनल नंबर आप दूसरा फाइंड कर लेते हैं देखिए जीरो पॉइंट वन सिक्स वन लिए थे हमने अब ले सकते हैं जीरो पॉइंट वन सिक्स टू भी ले सकते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक आप ले सकते हैं तो हम लेंगे यहाँ पर एट ओके फिर मैं ले सकते हैं एट के बाद एट पर लिख सकते हैं सिक्स सिक्स दो बार क्योंकि एक बार सिक्स यहाँ पर है तो दो बार लिख दिए फिर एट लिख दिए फिर सिक्स को लिख दीजिए तीन बार है कि नहीं फिर लिखिए एट एक, लिख एक बार फिर सिक्स 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 डॉट 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 कहने का मतलब कि ये बन गया हमारा दूसरा रेस्टर नंबर दिस इज़ द फर्स्ट दिस इज सेकेंड आप और भी फाइंड कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया जीरो पॉइंट वन सिक्स यहाँ पर एट लिए थे अब ले लीजिए फाइव फिर ये सिक्स को रखिए फिर फाइव फाइव डबल कर दीजिए फिर सिक्स रखिए फिर फाइव 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 डा ऐसा कर सकते हैं फोर्थ निकालना हो तो ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स टू ले लीजिए क्योंकि वहाँ वन सिक्स वन लिए थे अब टू ले लीजिए फिर यहाँ पर रखिए सिक्स फिर टू टू दो बार फिर सिक्स रखिए फिर टू 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 थ्री टाइम्स इस तरह से बन गया हमारा नंबर तो ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे इन फाइनाइट ओके क्वेश्चन फोर्टीन स्टेट इन इच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स केवल हमें स्टेट करना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वह ट्रू है या फॉल्स है ओके द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स मतलब कि टू प्लस टू क्या है रेशनल नंबर्स है फोर आएगा रेशनल कह रहा है सही बात है इट इज ट्रू सो so, टी लगा देते हैं ओके द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल मतलब कि रूट टू प्लस माइनस रूट टू विल बी ये तो कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा जीरो इज रेशनल तो ये तो कह रहा है कि इरेशनल इसलिए फाल्स है ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स मतलब कि टू इन टू थ्री इज सिक्स मतलब कि रेशनल इट इज करेक्ट ट्रू कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता है कि नहीं हमेशा रेशनल ही होगा प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आगे द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मतलब कि रूट टू इंटू इंटू टू रूट टू है कि नहीं तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा फोर तो ये बताइए ये, ये तो इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है टू रूट टू फिर फोर आ गया मतलब फोर क्या है रेशनल है और यहां बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरे जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो इसीलिए फॉल्स है है ना नेक्स्ट नेक्स्ट आपका द सम ऑफ और रेशनल नंबर मतलब कि टू मान लीजिए प्लस एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल ये एकदम करेक्ट है मतलब कि यदि कोई इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वह इरेशनल ही होगा दिस इज हंड्रेड परसेंट ट्रू आगे द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब जीरो नहीं लेना है इसका मतलब कि ले लेते हैं हम फोर नॉन जीरो है एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल और कोई एक रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कोई इरेशनल ले लीजिए जैसे कि ले लेते हैं रूट थ्री तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह हमेशा रेशनल होगा क्या इरेशनल होगा मतलब ये भी क्या कर रहा है ओके नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब कि ये हो गया और कह रहा है कि इरेशनल नंबर तो इनका रेशनल कैसे हो सकता है तो इसीलिए ये फॉल्स है ये देख रहे हैं इरेशनल है यहां बोला है कि रेशनल होगा, ये इरेशनल कैसे आ गया देर फोर फॉल्स आगे समझिए एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल वॉट इरेशनल कहाँ गया मतलब इरेशनल भी तो होते हैं इरेशनल प्लस रेशनल इन दोनों दीज टू ग्रुप ऑफ नंबर्स का समेशन मिला करके बनता है रियल नंबर्स तो इसमें केवल बोल रहा है कि रेशनल होते हैं व्हाट इरेशनल कहां गए फिर ये हो गया फॉल्स नाउ द नेक्स्ट वन एवरी रियल नंबर इज आई दर रेशनल और इरेशनल क्या बात है एकदम करेक्ट या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा वह रियल नंबर दिस इज रियली रियली ट्रू नाउ द नेक्स्ट वन पाई इज इरेशनल एंड ट्वेंटी टू बाई सेवन इज रेशनल क्या बात है ये एकदम करेक्ट है देखिए पाई जो नंबर होती है ना ये एक सर्कल होता है उसके सर्कम्फ्रेंस को मतलब टू पाई आर होता है सर्कम्फ्रेंस उसको जब डिवाइड करते हैं डायमीटर से डायमीटर क्या होगा टू आर तो हमें पाई मिलता है मतलब कोई भी सर्कल ले लीजिएगा उसके डायमीटर को मेजर करके और उसके सर्कल का सर्कम्फ्रेंस मेजर करके आप डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा हमेशा एक नंबर मिलेगी और वह नंबर इरेशनल होगी मतलब कभी भी वो हो टर्मिनेट होगा ही नहीं और ना ही रिपीट करेगा तो एकदम करेक्ट है ये इरेशनल होता है और ट्वेंटी टू बाई सेवन जो है पाई के क्लोज वैल्यू होती है ये एकदम एक्जैक्टली बराबर नहीं होता पाई इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन एग्जैक्टली मतलब लेकिन ये कह सकते हैं कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन ओके अप टू टू और थ्री डेसिमल प्लेसेस इट इज करेक्ट तो ये बात समझते रहिए और ये हो गया फॉल्स राइट right? अरे सॉरी द तो टू है ये आपका है ट्रू तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज वन सी का आर एस अग्रवाल सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं और यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए यदि डाउट नहीं भी है तब भी कमेंट बॉक्स ज़रूर कुछ लिखिए मेरे लिए अच्छा रहेगा ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय